सीतापुर में पीएम मोदी ने बताया बीजेपी का मतलब, कहा बीजेपी का मतलब दंगा राज, माफिया राज, गुंडा राज पर बराबर कंट्रोल, समाजवादी पार्टी पर दिखे हमलावर। हमीरपुर में बोले सीएम योगी, कहा सपा सरकार में था गुंडा राज, खुलेआम तमंचा लहराते थे समाजवादी गुंडे। अखिलेश यादव ने बोला बीजेपी पर हमला, कहा किसानों पर जीप चढ़ाने वालों की होगी जमानत जब्त, आखिरी चरण में निकल जाएगी सारी कर्मी। चुनाव आयोग से मिला बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल, एसपी सिंह बघेल पर हमले को लेकर की शिकायत, चुनाव को लेकर सपा की बताई बौखलाहट। नमस्कार, स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ कावेंद्र चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उस खबर के साथ कि जहां पीएम मोदी ने आज बीजेपी का क्या मतलब है इसको खुलकर बताया है। सीतापुर में पीएम मोदी ने समाजवादी पार्टी की सरकार पर जमकर निशाना साधा, साथ ही उन्होंने बीजेपी के लिए वोटिंग की अपील भी की। पीएम मोदी ने इस दौरान बीजेपी का मतलब बताया है, उन्होंने कहा कि यूपी में बीजेपी सरकार होने का मतलब है दंगा राज, माफिया राज, गुंडा राज पर बराबर कंट्रोल। पीएम मोदी ने कोरोना के दौरान सरकार मजबूती से काम किया है, उन्होंने कहा कि विदेशों में कोरोना का टीका बहुत ज्यादा कीमतों पर लग रहा है लेकिन भारत में बीजेपी सरकार के तिजोरी नहीं देशवासियों की जिंदगी कीमती है, तिजोरी खाली कर देंगे लेकिन टीका घर घर पहुंचा कर रहेंगे, ये काम हमने किया है। पीएम ने कहा कि गरीबों का राशन जो पहले माफिया लूट लेते थे उसका एक एक दाना आज गरीब के घर पहुंच रहा है। इस पूरे कालखंड में मेरा ये फोकस रहा कि किसी गरीब के घर में ऐसा दिन ना आना चाहिए जिसमें उसके घर का चूल्हा ना जले, गरीब को भूखा ना सोना पड़े, इसके लिए हम जागते रहे। योगी जी की सरकार यूपी के लोगों को इन दंगाइयों से, अपराधियों से मुक्ति दिलाने का काम कर रही है, इसलिए आज पूरा यूपी कह रहा है जो कानून का राज लाए हैं हम उनको लाएंगे। यूपी में भाजपा सरकार होने का मतलब है दंगा राज, माफिया राज, गुंडा राज, इन पर बराबर कंट्रोल है कि नहीं है, है कि नहीं है। यूपी में भाजपा सरकार का मतलब है पूजा के दिन हो, पर्वों के दिन हो, पूजा पर्वों को मनाने की खुली स्वतंत्रता। यूपी में भाजपा सरकार का मतलब है बहनों बेटियों की मन चलों से सुरक्षा। यूपी में भाजपा सरकार का मतलब है गरीब के कल्याण के लिए निरंतर काम। यूपी में भाजपा सरकार का मतलब है केंद्र की योजनाओं पर डबल स्पीड से काम। साथियों, आज संत रविदास जी की जन्म जयंती भी है। रविदास जी के अनेकों मंदिरों में अनेक भक्त जुटे हुए हैं। आज सुबह मुझे भी दिल्ली में संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी विश्राम धाम मंदिर में जाने का सौभाग्य मिला। मान्यता है कि जब एक बार गुरु रविदास जी राजस्थान जा रहे थे तो दिल्ली में उसी स्थान पर उन्होंने विश्राम किया था। मेरे लिए दोहरी खुशी ये भी है कि मैं उस काशी का सांसद हूं जहां संत रविदास जी का जन्म हुआ था।
तो जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी का मतलब समझा रहे हैं, तो वहीं सीएम योगी ने हमीरपुर की दोनों विधानसभाओं का दौरा किया है, जहां पर उन्होंने बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में जनता से वोट देने की अपील की। इतना ही नहीं, अपने संबोधन के दौरान वो विपक्ष पर जमकर हमलावर दिखाई दिए। सीएम योगी ने कहा कि 2017 से पहले समाजवादी सरकार में गुंडा राज व्याप्त था, बुंदेलखंड में खनन और भू माफियाओं का कब्जा था, समाजवादी गुंडे खुलेआम तमंचा लहराते थे, गरीबों का राशन सपा और बसपा की सरकार हड़प कर जाती थी। 2022 में एक बार फिर से बीजेपी सरकार बनने पर बुंदेलखंड को विकास की दिशा में गति देंगे, सरकार बनने पर प्रदेश के 2 करोड़ युवाओं को फ्री टैबलेट बांटेंगे। अब तक की महामारी का ये रिकॉर्ड रहता था कि जितने लोग बीमारी से मरते थे उससे कई ज्यादा लोग मरते थे भूख से। डबल इंजन की सरकार ने हर महीने 2 बार राशन दिया है ना, डबल डोज राशन की भी सभी लोगों को मिला है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये राशन पहले सपा की सरकार में कहां चला जाता था, खा जाता था सेवई खानदान और ये झूठे खा जाते थे, गरीब देखता रह जाता था। आज कह रहे हो कि घी देंगे, अरे जब मौका मिला था तब तो सब गरीबों का हजम कर रहे थे, आज देंगे कहां से। आज तो जनता इस लायक ही नहीं छोड़ रही कि वे दे सके। तो जहां चुनावों के बीच नेताओं के द्वारा सियासी हमले बयानों के जरिए किए जाते हैं, लेकिन कई दफा हकीकत में भी ये हमले होते नजर आ जाते हैं। इसी कड़ी में यूपी में बीजेपी नेताओं पर हमले के बाद बीजेपी ने इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के नेतृत्व में बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मिला। मंगलवार को मैनपुरी के करहल से बीजेपी प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल के काफिले पर हमला हुआ था। शिकायत के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, दूसरे चरण के मतदान के बाद सपा की बौखलाहट देखने को मिल रही है। जनता ने जिस तरह कमल का बटन दबाया उससे अखिलेश का पसीना छूट रहा है। महिला सभा की प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा सांसद गीता शाह पर हमला हुआ है। एसपी सिंह बघेल पर सपा के गुंडों ने हमला किया। मैनपुरी जिले की जिस करहल सीट पर एसपी सिंह बघेल पर पत्थर और डंडे चलाए गए, इन सपा के गुंडों पर चुनाव आयोग कार्रवाई करे। हर बूथ पर सीसीटीवी कैमरा होगा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि मैनपुरी इटावा समेत अन्य जगहों के सपा के गुंडों पर मतदान से पहले कार्रवाई हो। किसी न किसी पद पर शीर्ष पद तक पहुंचाने का काम किया, लेकिन मौका देखते ही गांधी परिवार के सदस्य उत्तर प्रदेश को अपमानित करने से पीछे नहीं हटते हैं। वायनाड की बात हो, केरल में जाकर जो राहुल गांधी जी ने उत्तर भारतीयों और उत्तर प्रदेश के लोगों के बारे में कहा, वो उत्तर प्रदेश की जनता भूली नहीं है। जहां से वो 4 बार सांसद चुने गए, उसी उत्तर प्रदेश को अपमानित करने का काम राहुल गांधी जी ने किया। कल प्रियंका गांधी जी के समय पंजाब के मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के लोगों का जो अपमानजनक बयान दिया है, और इसको लेकर आपत्ति व्यक्त नहीं प्रियंका जी ने की बल्कि हंसना शुरू कर दिया। क्या उत्तर प्रदेश का अपमान कांग्रेस के नेता ऐसे ही करेंगे? और दूसरी ओर उत्तर प्रदेश को गुंडा कहने वाली, उत्तर प्रदेश के लोगों को गुंडा कहने वाली बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी कहती हैं कि उत्तर प्रदेश के लोग गुंडे हैं, तो अखिलेश यादव जी उनका बड़े बड़े बुक्के देकर स्वागत करते हैं। तो मेरा कांग्रेस और सपा से ये सवाल है, क्या उत्तर प्रदेश को अपमानित करने का आपने ठेका ले रखा है? क्या उत्तर प्रदेश के लोगों को गुंडे भाइये और ये सब कहने की जो भाषा है उसका आप लोग समर्थन करते हैं? उत्तर प्रदेश के लोग, मैं तो ये कहूँगा, अगर उत्तर प्रदेश के मेरे भाई और बहन देश के अलग अलग हिस्सों में ना जाएं, तो उन राज्यों का विकास थम जाता है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार की 5 साल की उपलब्धियां गिनाई, साथ ही उन्होंने सपा सरकार पर भी जमकर हमला बोला। पीयूष गोयल ने समाजवादी पार्टी पर हमला करते हुए कहा,
कि उन्होंने एक बार फिर अपनी हकीकत दिखाई। मुझे लगता है कि एसपी सिंह बघेल को उनके खिलाफ मैदान में उतारने के बाद अखिलेश यादव परेशान हैं। उन पर हमला किया गया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की है। उन्होंने आगे कहा कि 2017 से पहले यूपी ने जो माफिया राज और आपराधिक गतिविधियों को देखा, उससे डर का माहौल पैदा हो गया। इसने यूपी को कभी विकसित राज्य नहीं बनने दिया, ये बीमारू राज्य रहा, लोगों पर अत्याचार हुए, ये सपा का कॉलिंग कार्ड था। प्रधानमंत्री की प्रेरणा से एक बार फिर उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार आ रही है। उत्तर प्रदेश में निर्यात बढ़ा है, 20 लाख करोड़ का निर्यात हुआ है, 3.5 से 4 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में एक अच्छी सरकार दी है। आज अपराधी जेल में हैं और वो बेल के लिए भी अप्लाई नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार है। भाई भतीजे वाले सरकारों से जो लोग त्रस्त आ गए, परेशान हो गए, जिस प्रकार से एक परिवार के लिए, एक परिवार के सुविधाओं के लिए, एक परिवार के द्वारा ही पूरा शासन चलता था, उस सब से उत्तर प्रदेश की जनता ने जो निजात पाया, जो भू माफिया से निजात पाया, जो सैन माफिया से निजात पाया, जो हजारों करोड़ की संपत्ति इन्होंने लूटी थी सामान्य व्यक्तियों की, गरीबों की, किसानों की, व्यापारियों की, मध्यम वर्ग की लोगों की, उस सबको जो जब्त करके योगी जी ने वापस दिलाने का काम किया, जिस प्रकार से कानून व्यवस्था को इतना मजबूत बनाया कि आज क्रिमिनल बेल तक के लिए अप्लाई नहीं करते, जेल में रहना पसंद करते हैं बजाय के बेल नहीं। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने औरैया में जनसभा के दौरान बीजेपी पर हमला बोला। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा के जमानत मिलने पर भी बीजेपी पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि किसानों पर जीप चढ़ाने वालों की जमानत कराने वालों की जनता जमानत जब्त कराएगी। अखिलेश यादव ने कहा जिन्हें कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करना हो वो हमारे साथ ना आए, हम कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। पहले और दूसरे चरण के मतदान में सपा गठबंधन आगे निकल चुका है, बाकी चरणों में वोट पड़ेंगे तो गर्मी निकालने वालों का धुआं निकल जाएगा। तो औरैया से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आज बीजेपी पर जमकर हमला बोला। साथ ही उन्होंने गर्मी वाले बयान को लेकर भी पलटवार करते हुए कहा कि गर्मी निकालने वालों का धुआं निकल जाएगा। जो मदद किसानों की होनी थी, गरीबों की, उनके साथ धोखा किया है सरकार ने। और इनके नेताओं के अगर भाषण सुनोगे तो एक नेता तो दूसरे नेता से बड़ा झूठ बोल रहा है। इनके जो छोटे नेता हैं वो छोटा झूठ बोल रहे हैं और जो बड़े नेता हैं वो बड़ा झूठ बोल रहे हैं और जो सबसे बड़े वाले हैं वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। आपने कल या परसों का अखबार पढ़ा होगा, 28 बैंकों का पैसा लेके भाग गया। भागा के नहीं भागा, और अभी एक दो नहीं है, पहले भी भागे थे और भी भागने वाले हैं। आज जब मैं आपके बीच में आया हूं तो जिसने मंत्री पुत्र जिसने गाड़ी से किसानों को कुचला था उसको जमानत मिल गई। तो यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक ले, कहीं जाइएगा नहीं, न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। मेरे भारत में लोगों को बरगलाना इतना आम क्यों हो गया है? मेरे भारत में फेक न्यूज फैलाना इतना आम क्यों हो गया है? तो ऐसे में जब सच और झूठ के बीच फर्क करना हो जाए मुश्किल, तब भारत एट नाइन में हम बात करेंगे उस परत दर परत की जहां से सच बेनकाब होगा। आज के दौर में सच बोलना मुश्किल हो सकता है, लेकिन ईमानदार लफ्ज अपने रास्ते ढूंढ लेते हैं। अगर हमारे सवाल समाज में कुछ अच्छा बदलाव ला सकते हैं तो हम झूठ की दीवारों के पीछे खड़े नहीं रह सकते। तो सोमवार से शुक्रवार तक मुलाकात होगी आपसे न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के स्पेशल न्यूज ब्रॉडकास्ट भारत एट नाइन पर।
देखिए भारत एट नाइन कावेंद्र चौहान के साथ सिर्फ न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर। वक्त बदला, सरकारें बदली, चेहरे बदले, मुद्दे बदले, नहीं बदला तो उसका अंदाज। गद्दा सूबे की कमान एक बार फिर से संभालेंगे। कल को आप मुझे प्रधानमंत्री का मौका, ऐसे ऐसे मौके से थोड़ी मौका प्रस्त होने हूँ मैं। जिसके सवाल बने उत्तराखंड की आवाज। 125 ठेके ज्यादा दे दिए, जो ठेका खोलना मेरी मजबूरी। 18 सालों में ऐसी जगह पर जहाँ पे आज तक कभी शराब की दुकानें नहीं खुली, आपने वहाँ पर शराब के ठेके दिए। जगह नहीं, अंदाज वही। आप लोग बताते नहीं, सफेद पोश का नाम लेते हैं, वो सफेद पोश कौन है आप बताते नहीं। हम क्यों बताएं, तुम बताओ, इनको करना चाहिए। आपको इस जान से डर तो नहीं लग रहा? हमें काहे की डर भैया। तो अपने ने लूटा गैरों में कादम था, मेरी किश्ती डूबी वहां जा पानी कम था। हरीश रावत के साथ भी यही हुआ। देखिए पूछता है उत्तराखंड तिलक चावला के साथ सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे। At GLA University, we make the way. We inspire. We are a family bound by a common bond. We lead. We innovate. The record breakers. The cheer makers. The dreamers. GLA University, whether the goal is to get a job or to create a job. अगर आप हैं किडनी जैसे गंभीर बीमारी से परेशान तो मत होइए हैरान। नोएडा में स्थित है पश्चिम उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा डायलिसिस रिसर्च सेंटर जो आपको करता है आधुनिक तकनीकी से भरपूर चिकित्सा सेवा प्रदान। जी हाँ, रीना केयर डायलिसिस रिसर्च सेंटर ही तो है जो अस्पताल के अलावा घर पर भी डायलिसिस की बेहतरीन सुविधा बहुत कम खर्च पर उपलब्ध कराता है। ये सब होता है विश्वसनीय चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर अनिल प्रसाद भट्ट की निगरानी में। डॉक्टर अनिल प्रसाद भट्ट विश्व प्रसिद्ध ऐसे डॉक्टर हैं जो बड़े बड़े चिकित्सा संस्थानों में न जाने कितने लोगों को नई जिंदगी दे चुके हैं। तो घबराएं नहीं, किडनी जैसी गंभीर बीमारियों का डट कर सामना करें और रीना केयर डायलिसिस रिसर्च सेंटर में अपना किडनी का इलाज कराएं। आज की हमारी रिपोर्ट आपके लिए देखना बेहद जरूरी है क्योंकि आज हम कुंभ की नगरी हरिद्वार आए हैं एक कहानी लेकर। इस वक्त मैं मौजूद हूं हरिद्वार और यह हरिद्वार का ज्वालापुर इलाका है जहां पर स्वामी विवेकानंद हेल्थ मिशन सोसाइटी के तत्वाधान में चलने वाला अस्पताल स्वामी राम प्रकाश चैरिटेबल हॉस्पिटल मौजूद है। ऐसे इनके अंडर में आने वाले तकरीबन 10 अस्पताल हैं जहां पर लगा है। At GLA University, we make the way, we inspire. We are a family bound by a common bond. We lead. We innovate. The record breakers. The cheer makers. The dreamers. GLA University. Whether the goal is to get a job or to create a job. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। उन्नाव में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे अखिलेश यादव ने कहा कि पहले चरण और दूसरे चरण में सपा और गठबंधन शतक लगा दिया है। तीसरे चरण से सातवें चरण तक बीजेपी के बूथों पर भूत दिखाई देंगे। बीजेपी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार ने मेडिकल कॉलेज का काम पूरा नहीं किया, पैरा मेडिकल कॉलेज भी शुरू नहीं कराए, मंडी भी नहीं बना पाए, चुनाव आते ही ईंट लगाना शुरू कर देते हैं। उन्होंने जनता से कहा कि आप लोग मदद करोगे तो हम विकास करेंगे। गर्मी निकालने वालों के कार्यकर्ता पहले चरण के बाद ठंडे पड़ गए। इस सरकार ने इत्र का कारोबार बढ़ाया नहीं बल्कि कारोबार को बदनाम कर दिया है।
बस्ती के हरैया विधानसभा में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सभी प्रत्याशी अपनी अपनी उपलब्धियां गिनाकर जनता का वोट लेना चाह रहे हैं और सभी प्रत्याशी जनता के नब्ज को टटोलने में लगे हैं। इसी कड़ी में बीजेपी के विधायक अजय सिंह ने विशेश्वरगंज बाजार में कार्यालय उद्घाटन के दौरान जनता को संबोधित करते हुए कहा कि 80 बनाम 20 की लड़ाई चल रही है, 80% में बीजेपी, 20 में अन्य पार्टियां हैं। वही अपनी उपलब्धि बताते हुए 5 सालों में किए गए कार्यों को गिनाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं एक बार फिर से बीजेपी की सरकार आ रही है, जिसके बाद हरैया क्षेत्र का समग्र विकास होगा, हरैया विधानसभा प्रदेश में मॉडल विधानसभा बनेगी। उन्होंने कहा कि जनता एक बार फिर हमें चुनाव में जिताकर विधानसभा भेजने का काम करेगी। प्रधानमंत्री की 5 और 15 रोडे पीडब्ल्यूडी से ये मैंने चौड़ीकरण की रोडे कराए हैं, अपने सभी ऐतिहासिक और धार्मिक मखौड़ा, आराम रेखा, हनुमान बाग, श्रृंगी नारी, रानी गांव, थाना काशिव नंबर, अमोलीपुर, राम रेखा, महादेवा, हनुमान बाग, चकोही, ये सभी हमारे जो 84 कोसी परिक्रमा के पड़ाव स्थल हैं, जो रास्ते में पड़ते हैं, इनका सबका मैंने विकास कराया है। लगभग 40 गेट चाहे वो पर्यटन से हों, मेरे विधायक निधि से हों, लगभग 40 गेट या तो बन गए या बन रहे हैं। वही जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने कचहरी के नामांकन कोर्ट में पहुंचकर जिले के मलहनी विधानसभा के लिए जेडीयू से नामांकन पत्र दाखिल किया है। धनंजय सिंह नामांकन के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि अब की बार मलहनी में 30 से 35 हजार वोटों से धनंजय सिंह चुनाव जीतने जा रहे हैं। मलहनी की जनता के जरूरी विकास मुद्दे को ध्यान में रखकर न केवल विधानसभा का बल्कि जौनपुर जिले का विकास करना सपना है। जनता की भलाई के लिए मुद्दा, जनता की भलाई के लिए इशू नहीं। हम लोग जितना बेहतर पब्लिक के लिए काम कर सकें, उनके वेलफेयर के लिए काम कर सकें, यही किसी भी राजनीतिक व्यक्ति का ही इशू होना चाहिए। और हमारे यहाँ पिछले 10 वर्षों से इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में मलहनी बहुत पीछे गया था, समाजवादी पार्टी के की सरकार, लेकिन जनता के हितों को लेकर उन्होंने कोई बहुत ठोस कार्यक्रम हमने बनाया ना, काम ऐसा किया ना, एजुकेशन को लेकर, ना हेल्थ को लेकर, ना रोड्स को लेकर, कुछ नहीं ऐसा किया। जो चीज़ें पड़ी थी वहीं और जो थी वो बनी हुई, वो भी टूट के जाकर सब चीज़ों को हमें सुधार कर। सपा के प्रत्याशी बताते हैं कि हम मलहनी की बेटा हैं और इसके आगे कोई है नहीं, तो इसको आप कैसे देखते हैं? हम इसी के वक्तव्य पे हमें कोई देखने की आवश्यकता नहीं। बुलंदशहर के 2 छात्र जो कि यूक्रेन में MBBS कर रहे हैं, उनके फंसने के चलते उनके परिजन परेशान हैं, उनकी सलामती की दुआ कर रहे हैं। बता दें कि बुलंदशहर का शान MBBS 5th ईयर और सिकंदराबाद का अनुराग सैनी यूक्रेन से MBBS कर रहे हैं। दोनों के परिजन युद्ध की आशंका के कारण दोनों के वतन वापसी की सलामती की दुआ कर रहे हैं। अनुराग ने हाल ही में अपने पिता को फोन किया था और पैसे अकाउंट में डालने की बात कही थी, जिससे कि वो सलामत वतन लौट सके। बता दें कि अभी फ्लाइट यूक्रेन से दिल्ली नहीं आ रही है, लेकिन सभी विदेशियों को यूक्रेन छोड़ने की सलाह दी जा रही है। हमारा बेटा यूक्रेन में MBBS की पढ़ाई करने के लिए गया हुआ है। कीव में ही, यूक्रेन की राजधानी कीव में ही मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है और वो वहाँ युद्ध के हालात बनने की वजह से यहाँ हम लोग काफ़ी चिंता में हैं। 4th वर्ष है उनका गए हुए और अभी पिछले महीने 17 जनवरी में ही वो घर से यूक्रेन के लिए गए थे। अब युद्ध की हालातों को सुनते हुए यहाँ हम काफ़ी चिंता में, हमारा परिवार और हम सभी लोग, और हमें अपना इंडियन गवर्नमेंट से काफ़ी उम्मीद है कि वो किसी भी कंडीशन में हमारी बच्चे की हिफाजत करेंगे और हमें उन पर विश्वास है। और वो 5 साल से पढ़ाई कर रहा है, 1 साल बाकी बची है उसके। क्या पढ़ाई कर रहे हैं? MBBS, डॉक्टरी MBBS। तो अभी आपकी लास्ट टाइम कब आपके बेटे से बात हुई आपकी? अब ये बात रोजाना हो रही है बस। हाँ, रात बात हुई, रात बात वो आने के लिए, वो ना आने के लिए अभी ने बोला है, नौकरे के पापा का, तुम जो है इस टाइम टिकट के पैसे जमा कर दो, मैं टिकट किसी टाइम भी कभी भी आ सकता हूँ। क्या हालात वहाँ के बताएं? हालात तो खराब चल रहे हैं सर,
और कुछ शांति बता गया, शांति है कुछ मतलब। तो आप सरकार से क्या मांग रहे हैं? बस यही है अल्लाह ताला ऊपर वाला ठीक ठाक रखे सबको, मतलब यही है। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों के इस खास बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश में इतना ही, बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। शुक्रिया।